और अब बड़ी खबर वाराणसी से, जहां दिन दहाड़े गोली चलने की घटना सामने आई है। गोली चलने से दो लोगों की मौत की खबर है। जैतपुरा थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास गोली चली है, तो वाराणसी में गोली चलने के कारण दो लोगों की मौत हो गई है। जैतपुर थाना क्षेत्र के काली मंदिर इलाके के पास ये घटना हुई है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दिन दहाड़े ये फायरिंग हुई है, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र में गोली चलने की घटना सामने आई, जिसमें दो लोगों की जान चली गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि दिन दहाड़े ये घटना हुई है, फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई। जैतपुरा थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास की घटना है। नीतीश से अपडेट लेते हैं। नीतीश, क्या मामला है, विस्तार से बताइए। बताया जा रहा है दिन दहाड़े गोली चली है। बनारस में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधी अब खुलेआम पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। आज जिस तरह से आदमपुर जयपुरा थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई है, बताया ये जा रहा है, प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिल रही है कि जो अपराधी थे वो किसी और को टारगेट कर रहे थे और राहगीरों को निशाना बना दिया उन दोनों ने। दो की मौत हो चुकी है इस घटना में, और घटना के बाद पुलिस का चेकिंग अभियान जरूर जारी हो गया है, शुरू हो गया है चेकिंग अभियान, और कहा यह जा रहा है कि जो अपराधी हैं उनकी तलाश की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपराधी क्यों वाराणसी का खौफ क्यों नहीं है। दिन दहाड़े अपराध को अंजाम देकर अपराधी बीच सड़क पर घटना होती है, गोलियां चढ़ाई है और खाकी पर होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो क्या अपराधियों में पुलिस का कोई डर खौफ नहीं रह गया, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया नीतीश। और अब बड़ी खबर वाराणसी से, जहां दिन दहाड़े गोली चलने की घटना सामने आई है। गोली चलने से दो लोगों की मौत की खबर है। जैतपुरा थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास गोली चली है, तो वाराणसी में गोली चलने के कारण दो लोगों की मौत हो गई है। जैतपुर थाना क्षेत्र के काली मंदिर इलाके के पास ये घटना हुई है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दिन दहाड़े ये फायरिंग हुई है, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र में गोली चलने की घटना सामने आई, जिसमें दो लोगों की जान चली गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि दिन दहाड़े ये घटना हुई है, फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई। जैतपुरा थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास की घटना है। नीतीश से अपडेट लेते हैं। नीतीश, क्या मामला है, विस्तार से बताइए। बताया जा रहा है दिन दहाड़े गोली चली है। बनारस में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधी अब खुलेआम पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। आज जिस तरह से आदमपुर जयपुरा थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई है, बताया ये जा रहा है, प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिल रही है कि जो अपराधी थे वो किसी और को टारगेट कर रहे थे और राहगीरों को निशाना बना दिया उन दोनों ने। दो की मौत हो चुकी है इस घटना में, और घटना के बाद पुलिस का चेकिंग अभियान जरूर जारी हो गया है, शुरू हो गया है चेकिंग अभियान, और कहा यह जा रहा है कि जो अपराधी हैं उनकी तलाश की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपराधी क्यों वाराणसी का खौफ क्यों नहीं है। दिन दहाड़े अपराध को अंजाम देकर अपराधी बीच सड़क पर घटना होती है, गोलियां चढ़ाई है और खाकी पर होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो क्या अपराधियों में पुलिस का कोई डर खौफ नहीं रह गया, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया नीतीश।